चलो अब हम कैरम खेलते हैं कि हाँ भैया सामने वाले को भी हमारा टाइम पता है और हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितनी भी इसमें ब्लैक ब्लैक हैं वो सारी मुझे लेनी है और जितनी भी वाइट हैं वो उसके पास जाएंगी। अगर ब्लैक ब्लैक अगर एक भी वाइट मैंने अगर एक भी कर दिया है तो क्या होता है कि हाँ कि वो ब्लैक जो है वो वाइट जो है वो उसके पास ही चली जाएगी। तो इसलिए हो सके तो अब अपनी वही गोलियां निकालो जो कि ब्लैक में हो वो वाइट में हो। अच्छा है वो भी अच्छा खेल रहा है पर मेरे 2 पॉइंट्स हो गए हैं और मज़ा आ रहा है इस गेम में। इंटरेस्टिंग है कि हाँ भैया पर बेटर होता है कि आप ऑनलाइन ना खेल के आप किसी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलें मज़ा आएगा। पर आज के दौर में किसी के पास टाइम नहीं है कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता तो लोग बाग इसी को खेलना प्रेफर करते हैं। मेरी राय है कि फेस टू फेस बैठ के गेम खेलना है वेरी गुड एक्सपीरियंस। पर नाउ चलो उसका भी एक बाजी आ गया। अब तो भैया वेरी गुड। पहले तो अब हम रानी की फिकार में हैं। रानी नहीं हिल रही है भैया हमें रानी को हिलाना है। रानी जी थोड़ा हिल जाओ तभी तो हमारे पॉइंट ज्यादा होंगे। अरे भैया सारी गोटी आप ही ले जाओगे क्या हमें भी मौका दे दो। मैं लाइफ में रानी जी हमारे पास आके फिर वापस चली गई हैं। क्या करें बड़ा दुख होता है रानी जी के लिए हमें। हाय राम क्या गलत कर लिया। कमीना मजा नहीं। अब रानी जी को निकाल लोगे का पॉइंट नहीं ताक में आ रहा। अब तो भैया पॉइंट तो इन्हीं के बन गए। बहुत दुख हुआ हमें हार कर। अब रीमैच तो करेंगे ना हम भैया। चलो बाय।